सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जैसे हम सब जानते हैं कि इस बार दिल्ली को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है और पूरे भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमें ये भी मालूम है अध्यक्षता के मद्देनज़र पूरी दुनिया की इस बार दिल्ली पर नज़र होगी। और G20 की तैयारियों की बात करें तो दिल्ली सरकार, नगर निगम हर तरह से मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम पिछले 5-6 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार अब नगर निगम में है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम में एक बेहतरीन मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। और G20 का मौका मिला है तो इस मौके के उपलक्ष पर और G20 के मद्देनज़र नगर निगम हर तरह से अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। और अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो लगभग 11,200-11,300 के आसपास जो नगर निगम ने वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और वॉर फुटिंग पे इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म करने की पूरी तरह से तैयारी भी हो चुकी है। और ये गार्बेज पॉइंट्स दिल्ली नगर निगम ख़त्म भी कर चुकी हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे कि जहाँ जहाँ ये सब गार्बेज पॉइंट्स थे 24 घंटे में इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए। और ऐप 311 के माध्यम से, जो नगर निगम की ऐप है 311, उसके माध्यम से इन गार्बेज पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके डिप्टी कमिश्नर और तमाम नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया है। उन एरियाज में ब्यूटिफिकेशन का काम भी हो चुका है। उसके बाद जो हमारी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, लगभग 92 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं जो हमारी दिल्ली की कुछ जो प्रोमिनेंट सड़कें हैं उनको आइडेंटिफाई करके दो शिफ्ट में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। और जो वहाँ से मलबा निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वहाँ पर टिप्पर्स की व्यवस्था कर दी गई है। और एक तरह से ऐसी प्रोमिनेंट सड़कों पर सफाई कर्मचारियों की टीम्स को डिप्लॉय किया गया है जो सड़क किनारे सफाई करते जा रहे हैं और जो बेल माउथ है जहाँ पर कूड़ा फंस जाता है उनकी सफाई कर रहे हैं। और वैसे ही शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग, और उसके लिए जो गार्बेज कूड़ा और जो सिल्ट निकलती है वहाँ पर टिप्पर्स की व्यवस्था भी की गई है। तो नगर निगम पूरी तरह से उन सड़कों को साफ सुथरा करने में जुटा हुआ है जो हमारे दिल्ली की सड़कों को एक सौंदर्यकरण देता है। साथ ही अगर सबसे बड़ी दिक्कत जो दिल्ली में नगर निगम को अभी तक देखने को मिलती थी वो थी मलबे की, तो जहाँ जहाँ पूरे दिल्ली के 12 जोन में, दिल्ली के हर कोने में जहाँ पर मलबा है वहाँ पर ट्रक्स को डिप्लॉय किया गया है, पूरी टीम्स का गठन करके उनको लगाया गया है, बेलदास की ड्यूटी लगी गई है और ताकि किसी भी दिल्ली के कोने में कहीं भी मलबे का ढेर ना दिखे। और फुटपाथ की अगर क्लीनिंग की बात करें उसके लिए मल्टीपर्पज व्हीकल्स, जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, स्मॉग गन्स हैं, उसके माध्यम से फुटपाथ की सफाई की व्यवस्था की गई है और वाटर स्प्रिंकलर्स की भी व्यवस्था की गई है जिससे फुटपाथ की सफाई की जा रही है। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन की बात करें, जैसे मालूम है G20 के मद्देनज़र पूरी दिल्ली में बहुत सारी सड़कों का सौंदर्यकरण किया गया है, बहुत सारे चौकों का, जो चौक हैं हमारे, चौराहे हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन किया गया है। तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट्स की टीम्स का गठन किया गया है और उन टीमों को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है अलग अलग जगह पे। और जगह जगह जो पटरी पर, फुटपाथ पर ग्रीन वेस्ट, जो सूखे पत्ते का जो वेस्ट दिखता था, पेड़ों की छटाई की जो नगर निगम की जिम्मेदारी है, तो हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से कर्मचारी और एम्प्लॉयज अपनी उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। उसके बाद जो सड़कों पे टेम्परेरी एंक्रोचमेंट थी उन सबको भी ख़त्म कर दिया गया है। और अगर हम बात करें मेन रोड्स की, स्पेशली वो रोड्स की जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी हमारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े जो हमारा एयरपोर्ट है, उन एरियाज में जहाँ पर हमें उम्मीद है सैलानियों का जाना होगा, जब दिल्ली आएंगे तो उन मार्केट्स में भी घूमेंगे, उन बड़े बड़े होटल में ठहरेंगे, तो उसकी सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए हमने एक टीम का गठन किया है नगर निगम में, जो अधिकारी हैं उनकी स्पेशल ड्राइव वहाँ पर सफाई का चलाएंगे। अगर और भी हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लीनिंग ड्राइव्स की व्यवस्था की गई है, स्पेशली उन एरियाज में जो ऐतिहासिक जगह है दिल्ली की,
जैसे पुरानी दिल्ली है, दिल्ली 6 है, कुतुब मीनार का इलाका है, लाल किला है, उसके बाद वो सब बड़े बड़े होटल जहाँ पर उनकी ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, कुछ बड़े 5 सितारा होटल हैं, उनकी सफाई व्यवस्था के लिए भी ड्राइव चलाई जा रही है। और अभी 10 तारीख तक जब तक ये G20 समिट होगा तब तक इन व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए वो टीमें काम करेंगी। और प्रिकॉशनरी बेसिस पे, जो प्रिकॉशनरी मेजर के बेसिस पे, पता है मानसून का महीना चल रहा था और डेंगू मलेरिया के केसेस कुछ कुछ आए, पर स्थिति कंट्रोल में रही। जिस तरह बाढ़ की स्थिति आई उसी प्रिकॉशनरी बेसिस पे एंटी मलेरिया की जो दवाई है, एंटी लावा की दवाई है, उसका भी पूरी दिल्ली में 12 कोनों में, 12 जोन्स में, हर वार्ड में एंटी मलेरिया जो दवाई है उसका छिड़काव भी जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी कर रहा है। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है MCD की रहती है टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स की और यूरिनल्स की, स्पेशली वो वाला एरिया जहाँ पर ये पूरा G20 का समिट और वो सारी सड़कों पर जो यूरिनल्स हैं उनकी सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है और पूरी तरह से नगर निगम इन चीजों के लिए तैयार है। दोस्तों आपका सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस G20 के जो डेलीगेशन पूरी दुनिया से आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और ख़ास तौर पे देश की राजधानी दिल्ली के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को दुनिया के G20 के जितने हमारे लीडर्स आ रहे हैं उनका हम वेलकम कर रहे हैं। हम अगर मैं बात करूँ दिल्ली नगर निगम, दिल्ली MCD की, दिल्ली MCD ने जिस तरीके से बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी दिल्ली के अंदर एक अलग दिल्ली की तस्वीर को बनाया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि जो डेलीगेशन दिल्ली आएगा तो दिल्ली में आने के साथ साथ वो जो वेलकम करेंगे दिल्ली के आसपास के इलाके को वो घूमेंगे, तो जिसके अंदर हमने पुरानी दिल्ली की बात करूँ तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली हो या टाउन हॉल हो या चांदनी चौक का इलाका हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, पुरानी दिल्ली और दिल्ली 6 का इलाका हो, पूरी दुनिया चाहती है कि उन हेरिटेज इन इलाकों के अंदर आएं जिनके अपने आप में हिस्ट्री के अंदर नाम है। उसके साथ साथ ग्रेटर कैलाश के अंदर जो दिल्ली नगर द्वारा बनाया जा रहा है G20 का थीम पार्क, वो अगर आप भी देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेशंस वहां पर आएंगे जो हमने दिल्ली नगर निगम ने बनाया है, वो अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ एक पार्क बनाया गया है। दिल्ली के अंदर तकरीबन 35 से ज्यादा सड़कें जो है नगर निगम की, उसका सौंदर्यकरण किया गया है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया चांदनी चौक और टाउन हॉल का, मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब साहब को दुनिया प्यार करती है, हर मजहब, हर तबका, हर मुल्क, हर इंसान मिर्ज़ा गालिब साहब को पढ़ता है, सुनता है उनकी शायरी को, हर कोई चाहता है कि वो मिर्ज़ा गालिब साहब जिस घर के अंदर उनकी परवरिश हुई, जिस घर के अंदर वो पैदा हुए थे, उस घर के अंदर जाएं जो हमारी पुरानी दिल्ली की बल्ली मारान इलाके के अंदर है, उसका दिल्ली सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से ब्यूटिफिकेशन किया है। उसके साथ साथ जो हमारा थीम पार्क है और जो मैंने आपको बताया ये तमाम चीज़ें हैं, और आज जिस तरीके से महापौर महोदया ने आपको बता दिया है पूरा विस्तार से किस तरीके से हमने दिल्ली में नगर निगम ने G20 को एक एक बारीकी के साथ हमने काम किया, उनके स्वागत के लिए बेसब्री से दिल्ली वासी, पूरे देश के वासी, एक एक हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे देश का जब वो आएंगे और उसके बाद जब अपने विदेश में, अपने घरों में जाएंगे, अपने स्टेट्स में, अपनी कंट्रीज में जाएंगे तो इंडिया का बहुत बेहतरीन एक, खास तौर पर दिल्ली की राजधानी का बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। और खास तौर पर जो दिल्ली सरकार PWD के अंदर जो सड़कें हैं उसका अलग ही एक सौंदर्यकरण हुआ है तो वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। तो इसी के साथ साथ हम लोग उन सभी डेलीगेशंस का आज आपके माध्यम से वेलकम करते हैं। हमारी तैयारी पूरी नगर निगम की 100% मुकम्मल है और हम बेसब्री के साथ G20 के डेलीगेशंस का दिल्ली में, देश की राजधानी में, बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।